हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू ई लर्निंग क्लास. टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 3C. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द स्टेटमेंट गिवन बिलो द ट्रू. हमें ब्लैंक्स फिल करना है ताकि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, ठीक है, सच हो. मीन्स हमें जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसे इक्वल करना है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 है तो राइट हैंड साइड में भी 5 होना चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो राइट हैंड साइड में भी 10 होना चाहिए. मैं इस साइड लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड राइट हैंड साइड. ये जो हाथ इस तरफ होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो इस तरफ है हमारा राइट हैंड साइड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. 275 प्लस 684. अब इसमें ऐड का साइन है तो हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. अब इन दोनों को प्लस करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 4. मीन्स वंस को वन से करेंगे. 5 प्लस 4 9, ठीक है. टेंस का 10 से. 7 प्लस 8 15. 15 का 5 यहाँ लिख देंगे. 1 कैरी लगा देंगे 100 कॉलम में. 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8. 8 प्लस 1 9, ठीक है. आपको अगर ऐसे ऐड नहीं होती है तो आप पीछे ऐड करके देख सकते हैं ऐसे 274, ठीक है. आप इसको ऐड कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं आप. ओके, यहाँ नहीं करना आपको. अगला क्वेश्चन क्या है. 7856 प्लस 8564 इज इक्वल टू 8564 प्लस ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है. मींस हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है. तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन से समझाती हूँ. मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ए प्लस बी और राइट हैंड साइड में लिखा है ए प्लस और ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है. तो अब मुझे अगर इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे देखो ए तो है ही, क्या नहीं है यहाँ पे, बी नहीं है ना. तो मैं यहाँ से उठा के बी लिख दूँ तो हमारी दोनों इक्वेशन जो है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे. ऐसे ही हमें इन क्वेश्चनों को करना है. अब देखो इसमें क्या है, 7856 और 8564, ठीक है. यहाँ पर 8564 है, मींस ये वाली डिजिट है, कौन सी नहीं है, ये वाली. तो मैं इसको यहाँ वाले उठा के 7856 लिख दूँ तो हमारी दोनों इक्वेशन सेम हो गई, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई. अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. अब देखो इसमें क्या करा है, इसने हमें लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक दे दिया है और राइट हैंड साइड फिल करके दी है, ठीक है. अब देखो 8761, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 8761, मतलब ये दोनों तो मिल गए, ठीक है. अब इसमें क्या है, 6789, यहाँ देखो ब्लैंक में ये डिजिट नहीं है ना. अगर मैं इस डिजिट को यहाँ पे ले आऊँ 6789, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे. 6789 यहाँ है, यहाँ पर भी है, और 8761 यहाँ है, यहाँ पे भी है, हो गई दोनों इक्वल, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, मींस ऐड को फाइंड करो. एक और बात बताना चाहूँगी, अगर हम किसी भी डिजिट में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारी डिजिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं 5 में ज़ीरो ऐड कर दूं तो क्या आएगा आंसर, मेरा 5 आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है. उसमें अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर देती हूं तो हमारी डिजिट वही की वही रहती है, नहीं बदलती, ठीक है. अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, 0 प्लस 56, तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो खाली क्या आ जाएगा, 56, ठीक है. अब आगे क्या कहता है, 7934 में मैं कितना ऐड करूं कि हमारा 7934 ही आ जाए, वही डिजिट आ जाए. तो सिंपल सी बात है, क्या ऐड करना चाहिए जिससे हमारी, जिसको ऐड करने पे हमारी डिजिट पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्या है वो, ज़ीरो. तो हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं, ठीक है. अब कह रहा है कि हम ज़ीरो में क्या ऐड करें कि हमारी जो डिजिट है वो 7569 आ जाए, ठीक है. तो हम क्या करें, इसी डिजिट को ऐड कर देते हैं तो वही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द सम इन इज द सेम, ठीक है.
हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं ताकि जो एडिशन है वो सेम है, सेम रहें, ठीक है। मींस जो एडिशन है वो सेम ही है, 325 प्लस 346, ऐसे ही हमें इस इक्वेशन को करना है जैसे हमने ये ऊपर वाली करी है, ठीक है, a प्लस बी। अब लेकिन इसमें कितने की दे दी, 3 की। एक बार फिर समझाती हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो अब बताओ, a है यहाँ पे, b भी है यहाँ पे, क्या नहीं है, c। अगर मैं c को यहाँ पे फिल कर दूँ तो देखो तीनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल सेम हो गई हमारी, ठीक है, इक्वल हो गई ना। a है, b है, c है, ऐसे ही हमें इन क्वेश्चनों को करना है। देखो यहाँ पे 325 है, यहाँ है, आगे क्या है, 346, यहाँ है नहीं है, तो लिख देते हैं। अब देखो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दोनों बराबर हो गई, 325 है, यहाँ भी है, 346 यहाँ है, यहाँ भी है, 714 यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, अब हो गई बराबर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करना है, ब्लैंक दे रखा है प्लस 3683। अब देखते हैं क्या यहाँ पे 3683 है, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 3683, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, 3509 यहाँ है जी, ठीक है। अब ये वाली हो गई हमारी, अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, अब इस वाली साइड से देखते हैं, 3509 तो यहाँ पे है ही, आगे क्या है, 8370, बट यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको यहाँ फिल कर दें, 8370 को, तो देखो हमारी इक्वेशन सेम हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। 8370 यहाँ है, यहाँ भी है, 3683 यहाँ है, यहाँ भी है, 3509 यहाँ है, यहाँ भी है, हो गई ना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करना है, ब्लैंक को छोड़ देते हैं, अभी हम इसको उठाते हैं, देखते हैं ये यहाँ है या नहीं है, 8570, देखो यहाँ है नहीं है ना, तो हम इसको यहाँ फिल कर देते हैं, 8570, ओके। अब देखो यहाँ देखते हैं इस वाली में क्या है, पहला 7315, क्या यहाँ है कहीं, नहीं है, तो हम एक ब्लैंक में फिल कर देते हैं 7315, और प्लस क्या है, 6493, ये भी नहीं है यहाँ पे, इसको फिल कर देते हैं। अब देखो क्या इक्वल हुआ या नहीं, 7315 यहाँ है, क्या यहाँ है, हाँ जी है। नेक्स्ट क्या है, 8570 यहाँ है, यहाँ भी है, वेरी गुड। फिर उसके बाद 6493 यहाँ है, तो यहाँ भी है, हो गई सेम। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, बस वो वाली डिजिट वहाँ से उठा के रख दो, और ये अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ की डिजिट वहाँ उठा के रख दो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।